नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में दोस्तों काफ़ी लोग प्रभावित हैं और काफ़ी लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। दोस्तों जो वायरस है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है, इसकी दोस्तों जो रफ्तार है वो भी थोड़ी कम भी नहीं हुई है। तब तक दोस्तों इंडिया में दूसरा वायरस आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, भारत में कई राज्यों में ब्लैक फंगस नाम का वायरस आ चुका है, जिससे दोस्तों काफ़ी लोग प्रभावित हो चुके हैं। दोस्तों आप इस वायरस का पता कैसे लगा सकते हो, ये वायरस कैसे फैलता है, इससे आपको कैसे बचना है और कैसे लोग इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं, और दोस्तों इस वायरस के लक्षण क्या क्या हैं, मैं आपको सब कुछ वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, कुछ ही मिनट की वीडियो है, बट दोस्तों आपके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि कोरोना वायरस जो है वो अभी इंडिया में ख़त्म भी नहीं हुआ है, तब तक दोस्तों इंडिया में ब्लैक फंगस नाम का एक वायरस आ चुका है, जो दोस्तों भारत के कई राज्यों में देखने को मिला है और कई लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। दोस्तों जो वायरस है ये कैसे फैलता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जो वायरस है ये हवा के जरिए लोगों तक पहुँच रहा है, हवा में दोस्तों ये उड़ता है धूल मिट्टी में, और दोस्तों ये लोगों के अंदर पहुँच रहा है। दोस्तों आप इसे कैसे बच सकते हो, जब भी दोस्तों आप बाहर जाओ तो आपको मास्क लगाना है, और दोस्तों डबल मास्क लगा के आपको बाहर जाना है। जहाँ दोस्तों धूल मिट्टी ज़्यादा है वहाँ पर दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वहाँ बिना मास्क के बिल्कुल भी नहीं रहना है। जहाँ दोस्तों धूल मिट्टी ज़्यादा हो रही है वहाँ पे आपको बिना मास्क के बिल्कुल भी नहीं रहना, आपको मास्क लगा के ही बाहर जाना है धूल मिट्टी की जगह पे। और दोस्तों अगर आपका काम ऐसा है जिसमें दोस्तों मिट्टी वगैरह का यूज होता है, तो आपको अपने हाथों में ग्लिप्स पहनने हैं, बिना ग्लिप्स के आप उस मिट्टी वाले काम को ना करें। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इस ब्लैक फंगस नाम के कुछ लक्षण, जो दोस्तों हाल ही में ब्लैक फंगस के मरीजों में देखने को मिले हैं। दोस्तों आँख और नाक के पास दर्द होना, बुखार जैसा फील होना, हल्का हल्का बुखार आना, खांसी होना, सूखी खांसी होना, उल्टी में हल्का हल्का ब्लड जैसा दिखना, और दोस्तों सबसे बड़ी बात सिर में दर्द होना और आँखों का लाल होना। दोस्तों ये जो लक्षण हैं ये ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप में इनमें से कोई लक्षण दिख रहा है तो दोस्तों तुरंत आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, आप बिना मेडिसिन के दोस्तों बिल्कुल ना रहें, क्योंकि दोस्तों ये लक्षण हैं जो ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों आप इनसे बच सकते हो इन सब का उपाय करके, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको ये लक्षण है दोस्तों बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है। दोस्तों ये जो वायरस है ये सबसे ज़्यादा उन लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। काफ़ी लोग हैं दोस्तों जो कुछ ना कुछ बीमारी से उभर कर आए हैं, बट उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है दोस्तों वो कमज़ोर है, क्योंकि बीमारी के लड़ने के बाद दोस्तों हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो उस तरह के लोगों को दोस्तों ये वायरस अपनी चपेट में सबसे ज़्यादा ले रहा है। और दोस्तों अगर आप कहीं घर से बाहर जा रहे हो, आपको कुछ काम है, तो आप बिना मास्क के बिल्कुल ना आए। दोस्तों आप इस तरीके से इस वायरस की चपेट से बच सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये जो वायरस है ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा भयंकर वायरस है, तो आपको इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे दोस्तों और भी लोग इस वीडियो को देखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।